आज किसानों का रेल रोको प्रदर्शन है। दोपहर 12 बजे से 4 घंटे के लिए रेल रोको प्रदर्शन यहां पर दिखाई देगा। रेलवे ने आरपीएफए की 20 अतिरिक्त कंपनीज तैनात कर दी हैं। कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको प्रदर्शन किसानों के जरिए आज किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये करीब 4 घंटे रहने वाला है और इसके मद्देनजर राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज दोपहर 12 बजे से किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आएगी। हालांकि दूसरी तरफ महापंचायत की भी तस्वीर लगातार दिखाई देगी। चक्का जाम के बाद आज रेल रोको का ऐलान किया गया है और दोपहर 12 बजे के बाद रेल रोको अभियान की शुरुआत यहां पर किसानों के जरिए। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद। पलवल की यह तस्वीर, आगरा की तस्वीर, गाजियाबाद की यह तस्वीर। पटरी फिलहाल पूरी तरह से सूनी नजर आएगी। इस बीच दिक्कत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुसाफिरों को खास तौर से। और 85 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन में आज एक और बड़ा पड़ाव यहां पर नजर आ रहा है। आज किसानों ने, जैसा कि हमने बताया, देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकने का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए और इसके जरिए आपको ये दिखाते हैं कि किसानों के रेल रोको आंदोलन का आखिर पूरा अपडेट, पूरी तस्वीर क्या रहने वाली है। दिल्ली कूच, बॉर्डर पर धरना, ट्रैक्टर मार्च, महापंचायत, टोल फ्री कराने के बाद आज बारी है रेल रोकने की। दिल्ली की सीमाओं पर 85 दिन से डटे किसान आज देश भर में ट्रेनों का चक्का जाम करने जा रहे हैं। किसान संगठन रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर कूच करने से पहले पंजाब के किसान करीब 2 महीने पंजाब में रेल का पहिया रोक चुके हैं। दरअसल किसान आंदोलन पर जिस तरह आम जनता का बड़ा समर्थन नहीं मिला और सरकार का जो रुख रहा है उसे देखते हुए किसान संगठन दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। किसान आंदोलन को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए किसान संगठनों का पूरा कैलेंडर तैयार है। दिल्ली में आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 4 घंटे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पटरियों पर डटेंगे और रेल रोकेंगे। भाई रुकेगी तो जब जब चल रही हो उस पर, पटरी पर वो रेल ही नहीं है। एक आधी रेल आओगी उसका माला गिरेंगे और उसे कहेंगे भाई दूसरी को भी लेकर आइए। हालांकि किसान संगठन रेल रोको अभियान को शांतिपूर्ण रहने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई और लाल किला पर देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया, उसे देखते हुए सुरक्षा बल और रेलवे काफी सतर्कता बरत रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें अलर्ट मोड में हैं। तो लोकल स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार है उनसे समन्वय स्थापित किया गया है। एडिशनल फोर्सेज जो है लगाई गई हैं, जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं उन सबको सेंसिटाइज किया गया है, जीएम्स को, डीआरएम्स को। रेलवे प्रशासन के इंतजामों के मुताबिक ऑपरेशंस और आरपीएफ के आला अफसर कंट्रोल रूम से नजर रखेंगे। इंजीनियरिंग और कमर्शियल कंट्रोल भी लगातार अलर्ट रहेंगे। रेलवे ट्रैक पर लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। मुख्यालय कंट्रोल ऑफिस पर हर घंटे की अपडेट रिपोर्ट आएगी। रुकी हुई ट्रेन में यात्रियों को जरूरत होने पर भोजन और पानी मुहैया कराया जाएगा। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिखा है। इसे देखते हुए इन दोनों राज्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में जहां किसान प्रदर्शन करेंगे उसका रेलवे ट्रैक चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन।